हम सब जिंदगी में मिठास चाहते हैं, मिठास जो हमारी भावनाओं में खुशी और उल्लास घोल देती है, मिठास जो स्वादिष्ट भी है, मिठास जो हमारी जिंदगी को संपूर्ण बनाती है। तो जब हमें अपने भोजन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व यानी मिठास को चुनने की आवश्यकता पड़ती है, हमें सबसे बढ़िया चीनी चुननी चाहिए। कई सालों से मवाना शुगर की चीनी बेस्ट क्वालिटी चीनी का दूसरा नाम बना हुआ। लाला श्रीराम जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक के माध्यम से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में विश्वास करते थे और वो भी उचित दामों पर, वही सोच मवाना को राह दिखाती है। मवाना शुगर्स की मिलें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा उन मिलों के रूप में शामिल है जहां ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा प्रदूषण मुक्त तरीके से कार्बन क्रेडिट कमाया जाता है। लक्ष्य हमेशा एक है, वो है अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बेस्ट क्वालिटी वाली चीनी बनाना, वो भी एक प्रदूषण मुक्त तरीके से, भले के कारण प्रोडक्ट महंगा हो। सल्फिटेशन चीनी निर्माण की प्रक्रिया के विपरीत रिफाइंड शुगर में पहले कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर का निर्माण होता है। गन्ने से रॉ शुगर के निर्माण की प्रक्रिया नंगलामल चीनी मिल में होती है, जहां से एक के बाद एक करके 5 रोलर मिलों से गन्ने का जूस निकलता है। इसके बाद इस जूस की जांच करके इसे एक रिसीविंग टैंक में इकट्ठा किया जाता है। गन्ने से जूस निकालने की प्रक्रिया के द्वारा जो रेशा या फाइबर निकलता है उसे बगाज पुकारा जाता है, जिसे बॉयलर चलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करके उसे ग्रिड को। टैंक में एकत्रित जूस को एवेपोरेट करने से पहले जूस को फिल्टर और साफ किया जाता है और जूस के एवेपोरेट होने के बाद वो शुगर सिरप बन जाता है। शुगर सिरप से क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा रॉ शुगर तैयार की जाती है। रॉ शुगर को अपने सबसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसे घुलाया जाता है और इसके बाद इसे फिल्टरेशन, क्लैरिफिकेशन और रिफाइनिंग की कड़ी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में फॉस्फेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राप्त चीनी को मनुष्य के उपयोग के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। रिफाइनिंग की इस प्रक्रिया में ऑटोमेटिक मशीनों का पूरी तरह से प्रयोग होता है, जो कि इंग्लैंड की प्रसिद्ध टेट एंड लायल शुगर कंपनी से ली गई हैं। उत्तर भारत में सिर्फ मवाना शुगर्स ही इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, ताकि ग्राहकों के लिए ऐसी बेस्ट क्वालिटी वाली चीनी बनाई जाए जो उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। उत्तर भारत में मवाना शुगर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी स्टेनलेस स्टील आधारित रिफाइनरी में पूरी तरह से फूड ग्रेड पदार्थों का इस्तेमाल होता है। रिफाइंड शुगर को नियमित रूप से क्वालिटी कंट्रोल के लिए कड़े चेक से गुजारा जाता है, जहां पर इस चीनी की प्योरिटी, दाने का साइज, रंग, नमी और उसकी भंडारण क्षमता की जांच होती है। इसके अतिरिक्त कड़े हाइजीन प्रबंधन नियमों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि मवाना चीनी में किसी प्रकार की दूषित वस्तु न मिल सके, और इसीलिए मवाना शुगर फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के लिए और बच्चों के फूड प्रोडक्ट बनाने वाले संवेदनशील निर्माताओं के लिए पहली पसंद है। उत्तर भारत एक प्रसिद्ध मिठाइयों में से रबड़ी का एक अलग ही स्थान है, और अगर ये रबड़ी मवाना शुगर से बनाई जाती है तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मवाना शुगर से बनी रबड़ी को पूरी दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में बेहद पसंद किया जाता है। हमने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़े और प्रसिद्ध हलवाइयों को बुलाकर उनके सामने मवाना शुगर और अन्य शुगर कंपनियों की चीनी से बनी चाशनी को बिना नाम दिखाए तार टेस्ट करवाया और हमने उनसे सबसे अच्छी चीनी को कहा। एक मत से सभी ने मवाना शुगर की चाशनी को पसंद किया। उन्होंने बताया कि मवाना शुगर की चीनी से चाशनी बनाने के लिए उन्हें चाशनी साफ करने के लिए दूध और पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, जबकि दूसरी कंपनी की चीनी में इसकी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हलवाइयों के खर्चे में काफी बचत होती है। मवाना शुगर की चाशनी स्पष्ट रूप से
कलर और प्योरिटी की दृष्टि से पहले नंबर पर रही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि मवाना शुगर विश्व के स्टैंडर्ड शुगर कलर स्केल पर सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ये भी एक मुख्य कारण है कि क्यों कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फूड प्रोडक्ट कंपनियां और हलवाई सिर्फ मवाना शुगर का ही इस्तेमाल करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं, जैसे कि हल्दीराम, नेस्ले, फेरेरो, कैडबरी, डाबर, अमूल, हेक्टर बेवरेजेस, बरिस्टा और कोस्टा कॉफी इत्यादि। हमारे पास हल्दीराम और नेस्ले के सर्टिफिकेट्स हैं। सभी आवश्यक सर्टिफिकेट्स, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट भी शामिल है, ऐसे चेक्स लगाए गए हैं जिनसे साल्मोनेला, एंटरोबैक्टीरिया और यीस्ट मोल्ड्स की जांच करके प्रोडक्ट की प्योरिटी सुनिश्चित की जाती है। इसी कारण मशहूर होटल्स, रेस्टोरेंट, फार्मा कंपनियां और फूड प्रोडक्ट निर्माताओं के लिए मवाना शुगर उनकी पहली पसंद है। हल्दीराम है सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। वी आर परचेजिंग क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड वेंडर्स फॉर मेकिंग आवर प्रोडक्ट्स। वी आर यूजिंग मवाना शुगर फॉर मेकिंग आवर सेलेक्टिव स्वीट्स एंड द क्वालिटी ऑफ मवाना शुगर इज वेरी गुड, इंक्लूडिंग प्योरिटी एंड वाइटनेस ऑफ द शुगर। मवाना शुगर को सुंदर और चिक पैकेजिंग के लिए भी माना जाता है। पैकेजिंग के एरिया में हवा को एक आधुनिक फिल्टरेशन सिस्टम से गुजारा जाता है ताकि पैकेजिंग एरिया साफ और कंटेमिनेशन फ्री रहे। मवाना शुगर आधा किलो और एक किलो के आकर्षक रिटेल पैक में और 25 किलो के कमर्शियल पैक में उपलब्ध है। भारत में मवाना शुगर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जो विभिन्न इस्तेमाल के लिए 7 प्रकार की चीनी बनाती है। चीनी को वातावरण की नमी से बचाने के लिए मवाना सिलेक्ट में लॉन्ग पॉलिथीन स्लीव का इस्तेमाल होता है ताकि चीनी में नमी ना आ सके। मवाना शुगर क्यूब की पैकिंग में शुगर क्यूब की हरेक लेयर के बीच बटर पेपर का इस्तेमाल होता है जिससे शुगर क्यूब आपस में ना चिपके। शुगर क्यूब के पैकेट में से पहली शुगर में हमेशा दिक्कत रही है। इस पुरानी परेशानी को खत्म करने के लिए हमने हर लेयर की पहली शुगर क्यूब पर एक एक्सट्रैक्शन स्ट्रिप लगाई है ताकि पहली शुगर क्यूब को आसानी से उठाया जाए। पूरे विश्व में मवाना शुगर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कस्टमर की पसंद पर आधारित यानी पर्सनलाइज्ड शुगर सैशे बनाती है। मवाना शुगर उसे तैयार करके एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में पैक करके उनके घर पर पहुंचा देती है। ये बॉक्स विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मवाना शुगर्स को ऐसे प्रोडक्ट बनाने में संतुष्टि और खुशी होती है जो ग्राहकों को बेहद प्रसन्नता दे सके। तो आइए मवाना शुगर की मिठास का हिस्सा बने। आइए सीजन में हमारी मिलों में आकर अनुभव कीजिए कि मवाना शुगर किस तरह प्रकार की या विशेष मांग के आधार पर अपने ग्राहकों और अपने मिठाई निर्माताओं के लिए बेस्ट क्वालिटी शुगर बनाता है जिससे उनका स्वाद और बिजनेस सबसे बेहतर हो जाता है। मवाना शुगर्स, मिठास जिंदगी की।